नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एफआईआर में अब्दुल मलिक का नाम है। अब्दुल मलिक को ही हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जिस जगह पर नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण को तोड़ने गई थी उसे अब्दुल मलिक का बगीचा बताया जा रहा है और उसी बगीचे के एरिया में अब्दुल मलिक का कब्जा था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एफआईआर में अब्दुल मलिक का नाम है और यह भी बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक ही इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। पुलिस की एफआईआर में अब्दुल मलिक पर कई धाराएं जो है वो लगाई गई है। हल्द्वानी हिंसा मामले में सबसे बड़ा पर्दाफाश अब तक हुआ है। देखिए एक बार फिर से आपको जानकारी दे दे, एफआईआर में अब्दुल मलिक का नाम है। अब्दुल मलिक को ही हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और जिस जगह पर नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए गई थी वहां पर अब्दुल मलिक का ही बगीचा बताया जा रहा है और उसी बगीचे के एरिया में अब्दुल मलिक का कब्जा था जहां से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई है। तो एफआईआर में जो है वो नाम है अब्दुल मलिक का जिसे मास्टरमाइंड जो है वो बताया जा रहा है, साथ ही कई धाराएं जो है वो लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार दीपक बिष्ट मेरे साथ बने हुए। दीपक, अब्दुल मलिक का नाम जो है एफआईआर में सामने आ रहा है, जरा अब्दुल मलिक के बारे में डिटेल में एक बार बताइए क्योंकि उनके बगीचे का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि जिस जगह पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम की टीम प्रशासनिक अमले के साथ गई थी वो इलाका मलिक का बगीचा के नाम से यहाँ पर फेमस है और उसी इलाके के जो अधिकतर हिस्से को अब्दुल मलिक नाम के एक शख्स ने कब्जे में लिया हुआ है और इसे छुड़ाने के लिए और कह सकते हैं कि ध्वस्त करने के लिए टीमें गई थी और इसी वजह से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी तय थी क्योंकि उसी की साजिश यहाँ पर मानी जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अब्दुल मलिक ही इसके पूरे उपद्रव का मास्टरमाइंड है और उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं जिन लोगों ने इस पूरी प्लानिंग को तैयार किया था कि अगर वहाँ पर उनके वहाँ पर अगर अतिक्रमण किया जाता है टीम के द्वारा तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी वजह से सूत्र ये बता रहे हैं कि अब्दुल मलिक के ऊपर पहले से ही शक था जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी करने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है और उसके साथ ही अब अब्दुल मलिक के जो फ़ोन कॉल्स डिटेल्स हैं उनको खंगाला जाएगा, उसकी CDR कॉल्स में पिछले एक दो महीने का रिकॉर्ड ट्रैक किया जाएगा ताकि जिन जिन नंबरों से उसने बातचीत की और किस किस के साथ उसकी बातचीत हुई थी उन नंबरों को ट्रैक करके एक पूरी लिस्ट यहां पर तैयार की जा रही है और अब्दुल मलिक वो शख्स है जो काफ़ी समय से इस पूरे इलाके में जो मलिक का बगीचा जिसे कहा जाता है वहां पर पहले से ही कब्जेदार था और कब्जे को कभी भी नहीं छोड़ता था जबकि नगर निगम की टीमें कई बार उसके पास गई थी और इस वक्त ये माना जा रहा है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है और इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तलाश यहाँ पर जारी है। जी तो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई अब आगे बढ़ती जा रही है और हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुमाऊं के कमिश्नर जांच करेंगे और 15 दिन के भीतर इन्हें रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश अब इस पूरे हल्द्वानी हिंसा मामले में दिए गए हैं जहां मुख्य आरोपी की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। वहीं मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि कुमाऊं के कमिश्नर 15 दिन के भीतर जांच करके ये रिपोर्ट सौंपने वाले हैं और ऐसे में जबकि सख्त कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री धामी ने कही है, उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें आरोपी होंगे गुनहगार होंगे उनकी जेब से इस नुकसान की भरपाई होगी और ऐसे में अब कमिश्नर जांच के आदेश भी दे दिए गए। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हल्द्वानी पर पल पल की खबर पहुंचाते हुए। दीपक, ऐसे में जबकि अब कमिश्नर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कॉल डिटेल्स आरोपियों की खंगाली जा रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इन्हीं दोषियों से ही इसकी भरपाई होगी, किस तरह की सख्ती और किस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं इस मामले में? अब देखिए प्रशांत, जैसे ही न्यूज 18 इंडिया ने यहाँ पर पहुंचकर अपनी पूरी खबर दिखाई थी और उस वक्त हमने थाने पर जो तांडव हुआ था, जो उपद्रव किया गया था, जिन बाइकों में वाहनों में आग लगाई गई थी, हमने शुरुआत में कह दिया था कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर जो भी इस कार्रवाई को अंजाम देने वाला होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हीं से इस पूरी प्रॉपर्टी की का पैसा वसूला जाएगा, उन्हीं से वसूली होगी। अब उसी कार्रवाई को करने के लिए यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो तैयारी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है जो अधिकारियों को जिनको इस पूरे जाँच का जिम्मा सौंपा गया है कुमाऊं कमिश्नर, और उसके साथ ही वो सभी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जितने लोग थे उस दिन शामिल उनका पूरा खाका तैयार किया जाए। उसके अलावा इस रिपोर्ट में हर पल पल की जानकारी के साथ ही जितने लोग शामिल थे
उनका पूरा ब्यौरा होगा, जो जांच अब तक हुई है या जो जांच पिछले 15 जो अगले 15 दिन होंगे उसमें होगी, वो सारा इस रिपोर्ट में तय किया जाएगा। बिल्कुल। और दीपक, ये जरूरी भी हो जाता है कि हल्द्वानी जिस तरीके से धधका वो सबने देखा, ऐसे में दंगाइयों की जो संपत्ति है अब उससे मुआवजा लिया जाए। सरकारी संपत्तियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल हो, किस तरीके से जलती हुई जो है वो नजर आई थी। और हल्द्वानी में हिंसा मामले में अब तक 3 FIR तो दर्ज की जा चुकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, जहां पर 8 फरवरी को हुए बवाल में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 5 उपद्रवियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, 50 के करीब आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। और पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनकी लोकेशन हिंसा वाली जगह की ही थी। और इसके साथ ही बवाल वाले इलाके को छोड़कर हल्द्वानी के बाकी के इलाकों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की अभी आपको अपडेट के साथ बता रहे हैं, जहां पर 3 FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। और जब हिरासत में लिया गया है तो उनकी लोकेशन उसी हिंसा वाली जगह की थी। हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य है, केवल जो बनफूलपुर यहाँ पे कर्फ्यू भी हटा दिया गया है, हल्द्वानी क्षेत्र आउटर एरिया में केवल बनफूलपुर का जो एरिया है उसमें हमने अभी कर्फ्यू जारी रखा है। पूरे प्रकरण में 3 FIR दर्ज की गई है, जिसमें 16 व्यक्तियों के खिलाफ उसको नामजद किया गया है, बाकी अज्ञात में काफ़ी लोग हैं। तो इसमें हमने 5 लोगों को राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, और बाकी के खिलाफ जो है पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, शीघ्र ही उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेंगे। और अहम खबर आ रही है हल्द्वानी से ही, जहां पर बनभूलपुरा को छोड़कर दूसरे और इलाकों में कर्फ्यू में अब ढील दी गई है और रोडवेज बस अड्डे से कुछ बसों को चलाना अब शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी में हालात किस तरह से धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, हमारे सहयोगी दीपक मिश्र बता रहे हैं। ढील दी गई है उन इलाकों में जो बनभूलपुरा थाना इलाके से दूर है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ से जो बस अड्डा है, बस अड्डे के पास मूवमेंट यहाँ पर वाहनों की होने लगी है और कुछ कारें भी हैं जो मूवमेंट कर रही है। नैनीताल रोड है जो आपको दिखाई देगा और ये बस अड्डे की तरफ के रूट को दिखाऊंगा। सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदा इलाके हैं जहाँ पर ढील दी गई है, जिनमें नैनीताल रोड का कुछ हिस्सा है जिसमें तिकुनिया पर कोई ढील नहीं है, लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ लगातार घूम रही हैं इन रूटों पर और आवाजाही को लेकर लोग परेशान ना हों, और इसलिए जो यहाँ पर आवाजाही की गई है प्रशासन ने वो सिर्फ बनभूलपुरा को छोड़कर हल्द्वानी के दूसरे हिस्सों में है, जिनमें कालाढूंगी रोड है, नैनीताल रोड है, उसके अलावा जो बरेली रोड है वहाँ पर गांधीनगर के आसपास कुछ रूट जो है उनमें छूट दी गई है। साथ ही जो दूसरा एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे लोगों की आवाजाही है, लोगों की आवाजाही के साथ ही पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि पुलिस की जो फोर्स है उसको जगह जगह पर डिप्लॉय किया गया है, पुलिस के वाहन हैं, पुलिस की चौकसी है, वो हर सड़क में इस तरह से बदस्तूर कायम है। और यहाँ पर हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि देख रहे हैं कि किस तरह से हालात को सामान्य किया जा सकता है ताकि दूसरे इलाकों में भी कर्फ्यू में ढील देने की कोशिश की जा सके। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक मिश्र, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो कुछ इलाकों में छूट दे दी गई है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया, 5 बार हल्द्वानी प्रशासन को पहले ही अलर्ट किया गया था, दंगा होने की आशंका जताई थी, साथ ही ड्रोन से नजर रखने का सुझाव दिया गया था, 3 फरवरी को ही अलर्ट भेजा गया था। यह अब तक का सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जहां पर यह जानकारी है कि दंगा होने की आशंका जो है पहले ही जताई गई थी और इसीलिए सुझाव दिया गया था कि ड्रोन से नजर रखी जाए। मेरे सहयोगी दीपक मिश्र लगातार मेरे साथ बने हुए। दीपक, इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती कि अगर पहले ही अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया था, पहले ही ड्रोन का सुझाव दिया गया था, लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से बताया गया था कि महिला विंग को आगे किया जाएगा, बावजूद इसके इस तरीके की घटना हुई। देखिए बिल्कुल, 5 बार अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कर किसी तरीके से ये इनपुट देती है कि आपके जिस एरिया में आप ध्वस्तीकरण करने जाएंगे, अतिक्रमण को हटाने जाएंगे, तो वहाँ पर का जो मॉब है वो पहले से प्लानिंग करके बैठा हुआ है, साथ ही वो ये कोशिश कर रहे हैं कि महिला ब्रिगेड और बच्चों को आगे किया जाएगा, ताकि जो पुलिस बल अगर हटाने के लिए किसी को आए तो महिलाओं और बच्चों के उसमें वो उलझ जाएगा, जिसके बाद पीछे से उपद्रवी इस पूरे मामले पर हमला कर देंगे। और यही सब कुछ हुआ उसी प्लानिंग के तहत हुआ, हालांकि ये 3 तारीख को इनपुट दिया गया था कि महिलाएँ और बच्चे जो हैं इस पूरे
उपद्रव में आगे किए जाएंगे, और वही सब कुछ हुआ है जो LIU ने रिपोर्ट में दी थी। तो कहीं ना कहीं एहतियातन यहाँ पर इंतजाम बरते जाने थे, पुलिस बल को, अतिरिक्त बल को वहाँ पर लेकर जाना था, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमला पूरी प्लानिंग थी, साजिश के तहत किया गया था। News18 ने पहले ही एक दिन पहले ही ये बता दिया था कि यहाँ पर साजिश के तहत पूरी प्लानिंग की गई है, महिला ब्रिगेड को आगे किया गया है, और अब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से जो चीज़ें हैं वो सब अब सामने आ गई है। और News18 India पर आप ये देखेंगे कि जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट है, इसको यहाँ पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, क्या एक बार आप अपना दर्शकों को विस्तार से इस बारे में जानकारी दे पाएंगे कि लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से जो है क्या कुछ अलर्ट पर के लिए पुलिस को कहा गया था, प्रशासन को क्या जानकारी दी गई थी, एक बार क्लैरिफाई कर पाएंगे इस बात को? देखिए, जब भी कोई, मैं आपको बता दूं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जब भी कोई यहां पर कोई ध्वस्तीकरण होता है या एरिया के हिसाब से कुछ भीड़ या लोग विरोध कर सकते हैं, तो वहां पर पहले से इस तरह के इनपुट का इंतजार किया जाता है। और पुलिस यहां पर LIU से मांगती है कि उनके जिस इलाके का वो ध्वस्तीकरण करवाने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या रिपोर्ट की किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जो बनबुलपुरा इलाका है वहां पर हमेशा इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं। और इसी वजह से यहां पर ये कहा गया था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह का विरोध कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो इनपुट था वो 31 जनवरी को दिया गया था, कि 31 जनवरी को जो LIU ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद 31 जनवरी को दूसरी दी थी, और 2 फरवरी 2024 को तीसरी रिपोर्ट दी गई थी, उसके अलावा 2 फरवरी 2024 को चौथी रिपोर्ट दी गई थी, और जो पांचवी रिपोर्ट थी वो बहुत अहम थी, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा था कि महिलाओं और बच्चों को पुलिस महकमे के आगे खड़ा किया जाएगा और बड़े उपद्रव आंदोलन को उग्र रूप दिए जाने जैसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो उसका साफ तौर पर यह दिख रहा था उग्र रूप में यानी हिंसा वहां पर हुई नहीं थी, और वो चीज़ वहां पर दिखाई दी। और ये इनपुट जो था 3 तारीख को दिया गया था, और 3 फरवरी को ये SSP नैनीताल और DM नैनीताल को ये इनपुट LIU की तरफ से दिया गया था। और इस इनपुट पर अगर पहले ही चेताया जाता तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है वो या तो आगे रह गया था सुरक्षा बल को ले जाने में, या पीछे रह गया था, क्योंकि जो भी प्लानिंग करी गई थी वो उस वक्त की गई थी जब पुलिस महकमे के अधिकारी वहाँ से चले गए थे और कम पुलिस वाले थे, तो उसी वक्त हमला एकदम से हुआ था। और इसी वजह से LIU ने इस मामले में पहले से ही चेताया था कि इसमें महिलाओं और बच्चों को आगे किया जाएगा, जिसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और यहाँ पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो हमने वीडियोज में दिखाए थे कि कैसे महिलाएं और बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करवाई गई थी। ये बड़ी खबर है, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले ही दिए गए थे, लेकिन हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर मिल रही है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के CM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, किसी भी कीमत पर देवभूमि की शांति से समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त संदेश दे दिया है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, इन तमाम सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उनकी ही जेब से की जाएगी, और ऐसे में सख्त कार्रवाई का निर्देश अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दे दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा, और अब तफ्तीश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। CM पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं होगी। बनभूलपुरा में असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार इस घटना को अंजाम देने का कार्य किया है, उन सब की पहचान करते हुए कठोरतम कार्रवाई की जा रही है।